आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज एक फ्री नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो आज एक पैनकेक हम बनाने वाले हैं, सेवरी पैनकेक बनाने वाले हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बनाते हैं पैनकेक। आज जो हम पैनकेक बनाने वाले हैं वो है ये छिलके वाली मूंग दाल ली है, जिसे मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो के रखा था, और इसमें से मैंने अभी पानी निकाल लिया है। इसे हम मिक्सर जार में डाल के इसे क्रश करेंगे। मैं बता रही हूँ, इसके अंदर हम ग्रीन चिली, थोड़े कोरिएंडर के लीव्स सब डाल के इसे पीसेंगे। मैं बता रही हूँ कैसे करना है इसे। इसके अंदर मैं मिक्सर जार में ये मूंग की दाल ले रही हूँ, इसके अंदर मैं ये ग्रीन चिली डाल रही हूँ, ये 2 ग्रीन चिली है, और ये कोरिएंडर के लीव्स हैं, ये मैं 1 कप जितना डाल रही हूँ। मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, अगर आपको कम डालना हो तो आप कम डाल सकते हैं, लेकिन कोरिएंडर और चिली से ज़्यादा इसका टेस्ट आता है। इसे हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसे हम पीस लेंगे। जो मूंग दाल है वो पीस के निकाल ली है। इसके अंदर मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, और मैंने यहाँ पे ये कॉर्न मैंने पहले ग्रेट कर लिया था और इसे मैंने बॉईल कर दिए हैं। थोड़ा हल्का सा सॉल्ट डाल के मैंने इसे बॉईल किया है। ये देखिए, मैं इसे इसके अंदर डाल रही हूँ, 1 बड़ा सा टेबलस्पून और 1/2 और टेबलस्पून। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कॉर्न को मिक्स कर लिया है इसके अंदर। ये करीबन 1 बाउल जितना बैटर है, जिसके अंदर मैंने 1.5 टेबलस्पून कॉर्न जो हमने ग्रेट करके बॉईल किए हुए हैं उसे मैंने इसके अंदर डाला है। अब हम इसके पैनकेक्स बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ये पैनकेक बनाने के लिए तवी रखी है। अगर आपके पास ऐसी तवी नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं कि इसके अंदर ही बन सकते हैं, वो आप प्लेन तवी पे भी छोटे छोटे पैनकेक्स बना सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, इसके अंदर मैं ये जो बैटर है इसे मैं लगा रही हूँ। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, आप इसे घर पर जरूर बनाए, ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़े कैप्सिकम लगा रही हूँ, इसे मैंने चॉप किया हुआ एकदम छोटा छोटा, और इसके ऊपर मैं थोड़े से अनियन रख रही हूँ, ये भी मैंने एकदम छोटा छोटा चॉप किया है। इसके ऊपर आप चीज भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे चीज नहीं रख रही हूँ, अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो। बस अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे, और फिर इसे पलट कर दूसरी साइड पकाएंगे। इसे मैं, ये देखिए, एक साइड ये हो गया है, इसे हम पलट देंगे सारे अच्छे से। दूसरी साइड से हम ऐसे ही करेंगे। देखिए, सारे पैनकेक हमने पलट दिए हैं। अब दूसरी साइड ऐसे ही इसे हम थोड़ा सा ब्राउन कलर होने देंगे और फिर इसे हम निकाल लेंगे। हमारे सारे पैनकेक्स बनके रेडी हो गए हैं। इसे आप घर पर जरूर ट्राई करें और आपके अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें, और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये खाने में बहुत टेस्टी है, इसे जरूर ट्राई करें और आपके अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, इसे आप ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ भी खा सकते हो। थैंक यू।